जोरबल अबे जोरबल पता नहीं साला कहां मर जाता है जोरबल भैया आया बाबा जोरबल हां आज तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे काम आज आज हो तो पहले पहले संभाल क्योंकि कभी किसी को मैं अपना हथियार नहीं देता हूँ आज मैं तुमको अपना हथियार दे रहा हूँ ले संभाल दौर बाल नंबर एक नंबर दो खटका पड़ता है बिन्ने खटका डबे मर गया ना अभी तो मर जाता तो मर जाता तेरी लड़की यही कहती कि देखो तुम हमारे पापा को मार डाले गोपाल सुनो मेरी बात को अरे सजन लगाई दो सतखंड पहिले अरे सजन लगाई दई सतखंड पहिले अरे ये नल सोई है सोना अगर कोई तरीकी बात किया तो कैसा वो परवाह बातें में घर का एक मोहब्बा है यहाँ एक चरपैया नहीं सैकड़ों चरपैया है जा जाकर जल्दी से लगा से लगा आज मैं जी भर के सोऊंगा क्योंकि इजाजत मेरे चाचा मेरे पिताजी ने दे दिया है जितनी इच्छा होगी उतना मैं यहां सोऊंगा अरे लाने दे यार टूटेगी नहीं नहीं तो होगा ला रे दर पर लगा मेरी शेर आज कितनी टाइम लगाता है ये टाइम का है अब ये जा रहे हैं खाए के रुक जाओ मरा और कई का सगा दुवार भाई हम का खाए पहले वो बोले से दुश्मन मिल जाए वो कम मार दे रही है हर भर कर ये होगा जहाँ तो पर तो उसको सेज लगाने में कितनी टाइम लग रही है अब यही रुकिए रहा हो भाई क्या देने दे ना हाँ मंगा रे मंगा जल्दी से हाँ आवाज होई है खटिया तुम रे आवाज होई है ओ बंदा करी बिछावत होई है आवाज होई है आवाज होई है खटिया मुझको नींद सता रही है और तुम बदतमीज मनोरंजन कर रहा है तो कहीं जान गंदा बिछा दिया खटिया देखकर पाए पड़े खटिया पौड़ी शर्मैया लेकर तू जानता है रे चरपैया परोई रहा मोरा लला चरपैया परोई रहा चरपैया मंगा रहा उस पर तेरा लला ले रहा है द्वारपाल
मैं कहता हूँ दोस्तों चार रुपया तोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है नहीं तोड़ूंगा। जाके क्या चार रुपया ला कर दो, नहीं नौकर की मैं खाल उड़ा दूंगा। नहीं मिली है, गद्दा मिला है तो तरह जगह नहीं बिछाएगी। अबे बर्तमान उत्तर दक्षिण को बिछाएगा, पूर्व पश्चिम को बिछा ले। उतरे जगने पौड़ो गद्दा पर रख वही हो नहीं बात समझ के काम चल बिस्तर लगा चार छत्तर दिनों आज उसको घर के सो बिस्तर लगाता है कि नहीं तुझे नहीं मालूम है। अरे बार बार बिस्तर लग गया जा, हमारे ओढ़ने का इंतजाम करिए चादर लाकर। हाँ बे तो जाता है तभी पूछता है ओढ़ने के लिए कुछ लोग। आज आज मैं अपने सखंड में जी भर के सोऊंगा क्योंकि कोई हमको चिंता नहीं है। मेरे पिता मेरे चाचा इजाजत दे दिए हैं, अगर कोई काम पड़ेगा तो मुझे जगाने आएंगे, अगर कोई काम नहीं होगा तो कोई मुझे जगाने नहीं आएगा। द्वारपाल आ सालिया, आ मैं तुझको इतना मारूंगा तेरी पैदाइश तक याद नहीं आएगी। साल भर लाइन है। अरे बता जो चंदर है चलो डालिए उसमें। द्वारपाल द्वारपाल चल मेरी बात बात मैं जब तक सोऊंगा हाँ तब तक तुझको ड्यूटी करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा नौकर है और बगैर मेरे इजाजत कोई इंसान मेरे सतखंड के ऊपर नहीं आ सकता है। और बगैर मेरे इजाजत सतखंडे के बाहर तू नहीं जा सकता। नहीं कोई चीज हम अच्छा बाहर है कि अंदर तो अंदर बाहर दोनों तरफ तो ठीक है। अंदर रख दिया तो हमारे झाड़ा प्यास लगी तो हम ठीक है। और द्वारपाल होशियार रहना क्योंकि तू जानते हो मोहबे वालों से ना मालूम कितनी बड़ी दुश्मनी है उसका ठीक हो जाए क्योंकि बावनों देश के मोहबिया दुश्मन है। मैं सोता रह जाए कोई मेरे दादा और मेरे चाचा से जंग करे लगे कोई नहीं हमारे होते हुए कुछ नहीं हुई। ठीक है अच्छा चलो खेल की छुट्टी करो आज सो गई सतखंड इधर अपने सतखंडे पे सो रहा है अपने चाचा से पिताजी से आज्ञा लेकर के उधर से वही लेखा अपने बैतलदेव भाई के संग में आती है और आती है तो कैसे प्रवेश करती है और द्वारे पर द्वार पर न हुई है मोहबे में। हाँ आवे दियो चलो चलो Thank you.
ची पक्की दारो पोड़ी का मुंह सोई के तेरे लाग सो भाई हम का का तेरे चाह जो कोई आवे जाए हेलो 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 अरे कयो बिना के मंजिला कहीं कहीं सामने मकान दिखाई पड़ता है यही आला का है किला और मेरे शहजादे का है भैया बैतल शहजादे तुम्हारे सतखंडे पे सो रहे हैं अरे भैया बैतल क्योंकि अब काफी समय हो चुका है चलो मुझे मेरे शहजादे से मिलाओ मैं भी देखती हूँ कैसे देखते मेरे शहजादे कितने प्यारे हैं ठीक है आया तो इसीलिए हूँ कि तुम्हारा काम सिद्ध हो जाए जरूर मिलाऊंगा चलो भैया आओ हमारे संग में आओ और जितने फाटक बंद हैं वो मैं सब खोल दूंगा तुम सीधे चले जाना और बहन लेखा उसको कायदे से जगाना यानी कि जो सात फाटक है सात फाटक बंद हैं सात फाटक बंद के सो रहा है मैं सब सातों फाटक अपने जादू के द्वारा खोल दूंगा और उसके पास जब पहुंचना हाँ। तो ये नहीं हाथों से जगाना कैसे जगाऊंगा अरे कठिन मारु है सहजादे की भैया बैठा मैं शादी के लिए आई हूँ ये चाहे जितना मारे जितना धमकाए लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ और भैया बैठा तुम खाली अब फाटक खोल दो फिर आगे का कृष्णा देखो ठीक है तुम सीधे जाओ सतखंडे पे चली जाओ सातों फाटक खुला है और ये फूल लो फूल मार के इंदल को जगाना है अरे भैया ये फूल में क्या करूँगी फूल मारोगी तो इंदल जग पड़ेगा ये क्या यानी कि हाथ से नहीं जगाना है फूल से जगाना ये फूल से जगाना है तुमको तुम भी भैया ना मजाक करते रही तो नहीं बहन लेखा उसको हाथ से नहीं जगाना है फूल में ऐसा क्या है ये फूल मेरा इंदल को जगा सकता है बाकी तुम नहीं जगा सकती लो और एक बात है भैया अरे बिना शादी जो पहना घूमी है ठीक है बहना मैं अभ्यास
सकता हूँ या बेहतर आप जा तो रही हो और जाते समय मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनो भैया, हाय याद हमारी भैया ना फंस जाओ जो आप आवाज लगाओ तो भैया आप फौरन आ जाना। आ जाऊंगा। ठीक है जाओ आप और मैं अपने शहजादी की ओर चलती हूँ, देखती हूँ जो मेरा दिल चुराए बैठे। जाओ बहन लेखा जगा लो और शादी जरूर कर लेना। चलो जाओ। आई क्या हो मुसीबत मेरी बहना बन जाए। अभी जगाने के लिए जा रही हूँ। चल देखती हूँ मेरे शहजादे कहाँ पर सोए हैं और किस तरीके सोते हैं किस तरीके से नहीं। हाँ मेरी मम्मी शहजादे को देखते ही ऐसा न हो कहीं मैं खो जाऊँ। ये तो मेरे भैया जैसे कहते थे उतने ही सुंदर उतने ही प्यारे लगते हैं। क्या बात है कितने प्यारे मेरे शहजादे हैं। अगर जब मेरी इनसे शादी हो जाएगी तो कितने अच्छा लगेगा। ये कमीना लगता है यहाँ पे नौकर भी है। इसको अगर इसके बच्चन में बचकर नहीं जाऊंगी तो ये कमीना अगर जान जाएगा तो कोई काम नहीं बन पाएगा क्योंकि नौकर लोग हरामी होते हैं। कमीना पहले ड्यूटी देखो किस तरीके से दे रहा है। चलो इसको सोने देती हूँ और अपने शहजादे की ओर बढ़ती हूँ। देखते मेरे शहजादे सोते हैं जाते ये तो बहुत गहरी नींद में सोता है और इन्हें कैसे जगाऊं। हाय मेरे शहजादे उठो ना शहजादे। चलो मेरे भैया बेटा ने फूल दिया है और कहा है कि फूल जब मारोगे तो तुम्हारे शहजादे उठ जाएंगे और जब शहजादे मेरे उठेंगे जाके दौड़ के उन्हें अपने बाहों में भर लूंगी और उनके साथ में क्या करोगे तो ऊपर यकीन कमीना के मच्छर लगते होंगे इसीलिए तो उसे उस भाग पाए। चलो इसको सोने देती हूँ मैं अपने काम से लगती हूँ। हाय पहला फूल लेखा हमारी
द्वारपाल किसको गाली दे रहे और तेरी बंदूक कहाँ है रे? तू ड्यूटी कर रहा था कि सो रहा था? निझा गया तो वहाँ कवाला जाके तो हम तो है वहाँ गया था जो को हमरे सजामा घाट करी कचारी करी हाथ को मुझे तो भुआ माता जी ने उठे लगा। अच्छा ये बताइए तो निझा गया था भाई बात भी है क्योंकि सखंडे के ऊपर मैं सो रहा हूँ सात घाटे बन गए उसमें केवल तुम हो और कोई नहीं है। ये बताइए इस सखंडे के ऊपर कोई आया था? कोई नहीं हमारे होते हो कोई आ सकते हैं कोई नहीं आया? तो एक बात बताइए द्वारपाल, अगर कोई नहीं आया है तो आज एक बात बता रहे मकार बताओ बताओ अरे कहां से आया द्वारपाल अगर अकेले मेरी नींद जो टूटी तो कसम से तुझको मैं मार डालूंगा। हम किला हां सोई पे नहीं करा। ठीक है फिर मैं सोने जा रहा हूं। चला ही करा वैसी वैसी। मैं तो समझा था अकेले में फूल आया कहां से। तू देखता था बुलबुल जब फूल का छल से ओ बुलबुल फूल जब छाड़ा है तूने देखा था? ठीक है चलो मैं सोने जा रहा हूँ। पौड़ाओ पौड़ाओ जगत रहे बैठा